टेस्ट इतना बढ़िया है और साथ ही बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त साउंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, बहुत ही झटपट से मिनटों में बनने वाली ये क्रिस्पी करारी और टेस्टी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही जो बेल आइकन होता है ना उसे ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही दमदार होने वाली है और उसके साथ ही काफ़ी क्रिस्पी बनेगी और बिना किसी तामझाम के बनेगी। तो उसके लिए एक कप जितना नॉर्मल गेहूं का आटा लिया और एक मिक्सी का जार लिया जिसमें 5-6 कलियां लहसुन की डाल दी, 2 हरी मिर्ची डाल दी। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए और लहसुन और हरी मिर्च को एक बार हल्का सा क्रश कर लेते हैं। और जैसे ये दोनों चीज़ें हल्की सी क्रश हुई, हमने वो जो गेहूँ का आटा लिया था वो डाल देंगे। और उसके बाद हम इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और बाइंडिंग देने के लिए आलू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आपको ना तो आलू उबालने की ज़रूरत है, ना ठंडा करने की ज़रूरत है और ना उसे छीलने की ज़रूरत है। बस नॉर्मल जो कच्चा आलू होता है उसे अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद में छील लें और उसे रफली कट कर दें। फ्रेंड, जब इस तरीके की कोई रेसिपी बनती है ना तो बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। और ये मैंने लिया है हल्का सा खट्टा 1/2 कप जितना दही। और इन सब चीज़ों को हम एकदम बारीक पेस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और इसमें आपको पानी नहीं डालना है। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आलू में काफ़ी मॉइस्चर होता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा दही और ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। तो अब बारी है इसे रेस्ट पे रखने की, तो 10 मिनट के लिए एक साइड से रख देते हैं। उतने ही हम एक थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी और उसमें डाल दिया बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, इसमें आपको जीरा राई ऐसा कुछ नहीं डालना है, आप इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून जितने मूंगफली के दाने और दानों को हल्का सा आप गर्म कर लीजिए। जब उसमें हल्की सी चटकने की आवाज़ आने लगे, समझिए परफेक्ट पक चुके हैं और आप मुँह में डाल के भी टेस्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो भुने हुए दानों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर लहसुन खाते हैं तो 6-7 कलियाँ लहसुन की डाल दीजिए, 2 हरी मिर्ची डाल दीजिए। लहसुन को आपको जब तक भुनना है जब तक उसका कच्चापन थोड़ा सा दूर ना हो जाए। और उसके बाद लिया एक छोटे से साइज का प्याज और प्याज को भी बस रफली सा कट करके डाल दीजिए। और जब उसके पेटल इस तरीके से अलग अलग होने लगें उसी समय आप उसमें डाल दीजिए ये 4-5 सूखी हुई वाली लाल मिर्च से। इससे कलर भी बढ़िया आएगा और काफ़ी ये तीखी भी होती हैं, इससे टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद मैंने लिया है एक मीडियम साइज का टमाटर। प्याज छोटे साइज का था और टमाटर जो लिया है मीडियम साइज का लिया है। और टमाटर फटाफट कुक हो जाए उसके लिए टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। और अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं जिससे टमाटर एकदम सॉफ्ट सा हो जाएगा और फटाफट से पक भी जाएगा। और ये देखिए, टमाटर अच्छे से पक चुका है, हार्डली आपको 3 मिनट लगेंगे और टमाटर इस तरीके से अच्छा सा पक जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट। और इसे डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अब कर दीजिए गैस का फ्लेम ऑफ और इसे पूरी तरीके से हम ठंडा कर लेंगे। और अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है तो अब फिर से एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और हमारा ये जितना भी मिश्रण था हम जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसको मैंने एकदम बारीक पीस लिया। ये लीजिए, हमारी बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर तैयार हो गई है जिसका कलर बहुत बढ़िया आया है। और लेकिन अभी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो हम जार को धो के थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। फ्रेंड, वैसे तो ये चटनी खाने में इस समय भी बहुत ही टेस्टी है लेकिन थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ा देते हैं। तो इसमें लगाएंगे एक नॉर्मल सा तड़का जो नॉर्मली हम इस तरीके की चटनी में लगाते हैं। ऑयल गर्म किया, उसमें राई डाल दी। राई के साथ ही हम इसे बढ़िया सा राई को तड़का लेते हैं और ये डाल देते हैं थोड़े से बारीक कटे हुए करी पत्ते। और ये तड़कता हुआ तड़का गया हमारी चटपटी चटनी के अंदर। और खट्टा करने के लिए डाल दिया 1 नींबू का रस। और ये लीजिए, एकदम सेकंडों में हमारी बहुत ही परफेक्ट चटनी तैयार है जिसे आप बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब वो मिश्रण देख लेते हैं जो हमने बनाकर रखा था। और अब आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, यानी कि अब एकदम परफेक्ट है। तो बस आप इसे 1 मिनट तक तेज हाथ से इस तरीके से विक्स कर लें जिससे ये थोड़ा सा एयरी सा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने लिया है एकदम बारीक कटा हुआ या आप समझ सकते हैं चॉपर में चला हुआ एक बड़े साइज का प्याज। और ये लिए हैं 1/2 कप जितने हरी मटर के दाने और इसे भी मैंने चॉपर में चला लिया है। और आप चाहें तो हल्का सा मिक्सी में दरदरा कर सकते हैं या बेलन से हल्का सा क्रश कर सकते हैं। और ये लिया खूब सारा हरा धनिया,
एकदम लिमिटेड मसाले और लिमिटेड चीज़ों के साथ बनाएंगे। ये क्या टेस्ट के हिसाब से नमक, हाफ टी स्पून जितना जीरा ले लिया और बस। इसके अलावा आपको इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और ये लीजिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और उसे डालने के बाद में आपको इसे हल्के हाथ से एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे बेकिंग पाउडर चारों तरफ अच्छे से हो जाएगा। और इधर मैंने ऑयल को भी गर्म कर लिया है क्योंकि अब बारी है इन्हें डीप फ्राई करने की। तो आप कोई एक चम्मच सेट कर लें जिससे आप इसे एक ही साइज़ में बना पाएँ, और आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे अप्पा पतला में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेते जाएं और इसे ड्रॉप करते जाएं और आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से फूलने लगेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें दही डाला है और उसके साथ ही हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगे हैं, लेकिन डालने के तुरंत बाद टच ना करें। आप एक बड़ी सी चम्मच ले लें और उसमें इस तरीके से ऑयल लेकर ऐसे ऊपर की तरफ डालते जाएं जिससे इनका दोनों तरफ से सरफेस अच्छे से सिक जाएंगे। फ्रेंड्स ये जो नाश्ता बनता है ना, बनाना जितना आसान है उतना ही टेस्टी बनता है, और हार्डली इसे बनाने में आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और 10 मिनट में आपकी चटनी और नाश्ता दोनों बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए बढ़िया से सिक चुके हैं, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो अब बारी है फ्रेंड्स प्लेटिंग करने की। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने पहले रखी ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी, उसके साथ ही हरे धनिये की चटनी, सर्दियों में नॉर्मली सभी घरों में होती है। और उसके बाद देखिए अपने क्रिस्पी करारे गेहूं के आटे और आलू के ज़बरदस्त पकौड़े, है ना फ्रेंड्स, देखने में ही पता चलता है कि बहुत ही टेस्टी है। और आप साउंड सुनिए क्या क्रिस्पी इसका साउंड है, अंदर से काफ़ी फूले फूले से हैं, ऊपरी सरफेस एकदम क्रिस्पी है। तो मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए क्या परफेक्ट जालियाँ आई हैं, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। एक बार तो ज़रूर ट्राई करें, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ आप इसे कभी भी बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और फीडबैक में मुझे बताएंगे कि रेसिपी कैसी लगी।